के साथ खाओ पियो आराम करो ना, दिखाओ ना बहादुरी, इस बार थोड़ा कायर बनो ना, गिटार बजाओ गाने गाओ, घर पे बैठ के शायर बनो ना, अब नहीं गुनाह होगा, इस गलत फहमी में मत रहो ना, खुद भी समझो और ये बातें आगे पीछे सबको कहो ना, कोरोना से बचने के लिए तुम कुछ भी मत करो ना, जो कह रहे सुन लो, डॉक्टर्स पुलिस से युक्त करो ना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन की वजह से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। अमीरों को हालांकि इसका इतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस लॉकडाउन में गरीब तबके का जो व्यक्ति है ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, यानी जो रोज कमाता था और रोज खाता था, अर्थात दिहाड़ी कामगार, जो आज महामारी की वजह से तो परेशान है ही है और भूख से भी तकलीफ में है। हालांकि देश के कई सज्जन लोग इन दिहाड़ी कामगार और गरीब तबके के लोगों की मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, राज्य सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है। और इसी प्रकार से कुछ बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं पीएफ रिलीफ फंड में। अगर आप भी डोनेट करना चाहते हो तो पेटीएम से डोनेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कर लाइक कर दें, और हाँ, आप घर पर ही रहें, घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें, और अपने हाथों को सही से धोएं और सैनिटाइज करें, लॉकडाउन का पालन करें। चलिए शुरू करते हैं। दानवीर सितारों में सबसे पहले नाम आता है अक्षय कुमार जी का, जिन्होंने 25 करोड़ का दान दिया। नंबर वन पे आते हैं अक्षय कुमार जी, 25 करोड़ का दान उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। यहीं हम दूसरी तरफ आते हैं तो हमारे और आपके चहेते कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जी ने 50 लाख का दान देने का ऐलान कर दिया है। दान देने की श्रेणी में वरुण धवन जी आए, जिन्होंने 30 लाख का प्रधानमंत्री राहत कोष में और 25 लाख का महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड में देने का की घोषणा की है। अब बॉलीवुड स्टारों के अलावा भी दक्षिण फिल्म यानी दक्षिण भारत के भी कई ऐसे कलाकार निकल कर बाहर आए जो दानवीर की श्रेणी में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभा रहे हैं। बात करें पवन कल्याण जी की, जिन्होंने 1 करोड़ प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दान दे दिया। यहीं दक्षिण के सुपरस्टार महेश बाबू जी ने 1 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के फंड में देने की घोषणा की। और बाहुबली स्टार प्रभास ने भी 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर दिया है, और तो और 50 लाख आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत फंड को भी दे दिए। अब हम आते हैं अपने चहेते और आपके चहेते सलमान खान जी। सुपरस्टार सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 7,000 टेक्नीशियंस को अकाउंट में 3,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। जी हाँ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब सलमान खान जी ने 25,000 दिहाड़ी मजदूर की मदद का ऐलान किया था, उनकी आर्थिक व्यवस्था आर्थिक मदद का ऐलान किया था, और अब तक वो 16,000 लोगों के खातों में 18 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर चुके हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री के दिहाड़ी मजदूर यानी टेक्नीशियन, साउंड रिकॉर्डर, म्यूजिशियन, फोटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर आदि कई और लोगों के अकाउंट में जब अचानक सलमान खान ने पैसे ट्रांसफर किए तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन सब ने दुआएं दी, और आज सलमान खान ने 7,000 कामगारों के अकाउंट में पैसा डाला। इस सच्चाई को खुद FWIC की एक संस्था ने खुलासा किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर ही रहें और कोरोना से युद्ध लड़ते रहें और अपने आप को सेफ रखें, अपने अपनों को सेफ रखें। धन्यवाद।